नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोतियाबिंद की। दोस्तों मोतियाबिंद के लिए आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही रामबाण घरेलू उपाय, जिसकी मदद से निश्चित तौर पर आप मोतियाबिंद को जड़ से खत्म कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहले जो भी मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं। दोस्तों आप यहां पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्यता लें। इस बटन को दबा करके आप हमारी सदस्यता जरूर ले लें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और रोज हमारे वीडियो देख पाएं, उनसे फायदा उठा पाएं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोतियाबिंद की। दोस्तों सबसे ज्यादा अंधेपन का, लोगों के अंधे होने का कारण है मोतियाबिंद, और इसकी रोकथाम भी बहुत आसान है। आप घरेलू उपाय से निश्चित तौर पर पुराने से पुराने जटिल से जटिल मोतियाबिंद को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही रामबाण उपाय, इनको जरूर इस्तेमाल करें ताकि आप भी इनसे पूरी तरीके से मुक्त हो पाए। दोस्तों इसके लिए सबसे ज्यादा कारगर उपाय है लहसुन। हर घर में पाया जाता है लहसुन को। यदि आप चार कलियों को रात को एक कप पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उन कलियों को चबा चबा कर खा जाएं, ऊपर से पानी पी लें, ऐसा आप मात्र 2 महीने कर लीजिए, केवल सर्दी सर्दी के मौसम में आपका पुराने से पुराना मोतियाबिंद जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक रामबाण उपाय है मोतियाबिंद का, जो अधिकतर लोगों को नहीं पता है, वो है पपीता। लेकिन इसको पका हुआ उपयोग नहीं करना है, कच्चा पपीता रामबाण उपाय है मोतियाबिंद के लिए। इसके लिए इसको उपयोग करने के लिए छिलके सहित खाए दिन में कम से कम 3 बार, और जितना ज्यादा आप खा सके उतना ज्यादा इसको खाए लगातार इस प्रयोग के दौरान। इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखें, एक होम्योपैथिक आई ड्रॉप है जिसका नाम है सिनेरिया मारिटेमा आई ड्रॉप। ये आसानी से मिल जाती है, मैं आपको इसकी एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको इसकी एक लिंक मिल जाएगी। ये अमेजन पर आसानी से उपलब्ध है, यहाँ देख सकते हैं आप और यहाँ से आप मंगवा सकते हैं। बाकी ये किसी भी होम्योपैथिक दवा दुकान पर मिल जाएगा, बहुत ही साधारण और सरल दवा है, इसको मिलने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो जब भी आप कच्चे पपीते का सेवन करें उसके साथ में इस आई ड्रॉप को 3 से 4 बार दिन में आपको डालना है। मात्र 1 महीना आप इसका उपयोग करके देख लीजिए, कितना ही पुराना मोतियाबिंद हो पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही आपकी जो आंखें हैं, आंखों के लेंस हैं, वो नए आंखों जैसे चमकने लगेंगे। जैसे बच्चों की आंखें होती है, इस तरीके से आपके आंखों के लेंस चमकने लगेगी, आंखों में चमक आ जाएगी, मोतियाबिंद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो जरूर इस नुस्खे का उपयोग करके देखें और अपनी आंखों को सुरक्षित रखें, स्वस्थ कर लें इस नुस्खे के उपयोग से। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।